आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है कि कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पर 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस के आई 3 इक्वल टू 0 फाइंड के। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मेरा ए दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर निकालना चाहूँ तो ए स्क्वायर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ए डॉट ऑफ ए डॉट करके निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 कितना 3, ये यहाँ से आ जाएगा। ऐसे ही दोबारा लिख लूँगा इसको, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 कितना 3। अब मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं कोई भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ, मैं इस रो की मल्टीप्लाई किसके अंदर करूँगा, कॉलम के अंदर करूँगा। पहले फर्स्ट कॉलम के अंदर, फिर सेकंड के अंदर, फिर थर्ड के अंदर। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, ये मिलेगा 1 प्लस कितना 4, यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ पे मिल जाएगा 2 प्लस का 6, यहाँ पे कितना आ गया 2 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 13, ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर मैं देखूँ वैल्यू को, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 0 कितना 8 आ गया यहाँ पर, यहाँ पे कितना आ गया 2 4 5, यहाँ पे कितना 8 0 कितना 13, ये मुझे यहाँ से मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए क्यूब निकालता हूँ। तो ए क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए डॉट ऑफ ए का स्क्वायर। तो ए कितना है मेरा, ए है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ये है मेरा यहाँ पर डॉट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर कितना मिलेगा, 5 0 8, यहाँ पे कितना आ गया 2 4 5 8 0 13, ये मेरा यहाँ पर दे रखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से फर्स्ट कॉलम क्या करूँगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के अंदर करूँगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 5 प्लस 16, और फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के अंदर करूँगा तो कितना मिलेगा 0, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के अंदर तो कितना मिलेगा 8 प्लस 26, अब सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के अंदर तो कितना आ गया 4 प्लस कितना 8, 4 प्लस कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे कितना मिलेगा 8 मिला, यहाँ पे कितना मिला 10 प्लस कितना 13, ये मुझे यहाँ से, ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल गई, 13 मिल गई। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस वाली वैल्यू को अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कितना जाएगा 10 माइनस, यहाँ पे कितना आ गया 13 आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरी थर्ड रो दे रखी है इसकी, उसकी मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम के अंदर, फिर सेकंड के अंदर, फिर थर्ड के अंदर। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 10 प्लस 24, तो 10 प्लस, यहाँ सॉरी यहाँ पे ये आ गया 10 प्लस कितना 24, ये आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे कितना जाएगा 0, और यहाँ पे कितना जाएगा 13 प्लस कितना 16 प्लस कितना 13, आई ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूँ, इस वाली वैल्यू को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना मिल जाएगा मुझे, ये वाली वैल्यू ये मिल जाएगी 21 0, कितना यहाँ पे आ जाएगा 34 आ जाएगा, यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा 12 मिल जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 23, और ये वाली वैल्यू यहाँ से कितने मिल जाएगी 34 मिल जाएगी यहाँ से 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 55, ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। अब मैं क्या कर देता हूँ, नाउ अब मैं वैल्यू लिख दूंगा, तो नाउ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो मेरी वैल्यू दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को देखूँ तो ये कितना था मेरा, तो अगर मैं इस वाली वैल्यू को देखूँ तो कितना था मेरा यहाँ पर, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर था यहाँ पर। तो कितना था, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, तो कितना था यहाँ पर ए क्यूब, यहाँ पे कितना था माइनस का 6 ऑफ कितना ए का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना था 7 ऑफ कितना ए प्लस ऑफ कितना के आई 3 इक्वल टू कितना 0, ये यहाँ पर दे रखा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, सबको लिख देता हूँ यहाँ पर, तो कितना है 21 0, यहाँ पे कितना आएगा 0, ये कितना आ गया 0 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना जाएगा 34 मिल जाएगा मुझे यहाँ से, कितना मिल गया 34, इसको एक काम करता हूँ अच्छे से लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ जाएगा मेरा 34, यहाँ से कितना आ गया मेरा 34 आ गया यहाँ से, और यहाँ पे कितना आ गया 12 8, ये कितना मिल गया 23, ये यहाँ से 23 मिल गया, ये आ गया 34 0, ये कितना आ गया 55, ये वाली वैल्यू मिल गई यहाँ से। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 6 की मल्टीप्लाई कर दूंगा ए स्क्वायर में, तो कितना मिलेगा 30, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 48, यहाँ पे 12 24 कितना 30, और यहाँ पे कितना मिलेगा 48, यहाँ पे कितना जाएगा 0 कितना 78, ये मिल जाएगा यहाँ से। प्लस 7 में ए की मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आ गया 0,
जीरो, सेवन जीरो कितना 14, 40 सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, जीरो आएगा। इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, जीरो मिल जाएगा ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया, यहाँ पे कितना आएगा 14, 7, यहाँ पे आ गया 14 ऑफ कितना 7, यहाँ पे आएगा 14, 0, 21, ये मुझे यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा यहाँ से के 0, 0, 0, के 0 और 0, 0 कितना के, और इक्वल टू मैं किससे कंपेयर कर दूंगा, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 कितना 0 से। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, और के वाला टर्म मेरा ये वाला है, तो मैं इससे कंपेयर कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 21, फिर कितना है माइनस का 30, ये आ जाएगा यहाँ से माइनस का 30, प्लस यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया मेरा 7, प्लस यहाँ पे कितना आ गया के इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना माइनस का 2, प्लस कितना के इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। और जो मुझे यहाँ से की वैल्यू 2 मिली, ये क्या इसका आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।